में मैं अरविंद कुमार यादव आपका स्वागत करता हूँ। कोरोना वायरस के बाद चीन में सामने आया है चूहों से फैलने वाला हांता वायरस। हांता और कोरोना वायरस में फ़र्क क्या है, आज इसका विश्लेषण हम अपने इस खास प्रोग्राम पे करेंगे। कोरोना इंसान से इंसान में फैलता है, जबकि हांता चूहों के मलमूत्र के जरिए फैलता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक हांता के संक्रमण का पता लगाने में 1 से 8 हफ्ते का समय लग सकता है। इसके मुख्य लक्षण सेम कोरोना वायरस के जैसे ही हैं, जैसे कि तेज़ बुखार आना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया जैसे लक्षण हांता के संक्रमण का इशारा करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खौफ के बीच एक और वायरस हांता वायरस से मामला सामने आया है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके बताया है कि यूनान प्रांत में हांता वायरस की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। अमेरिका के सेंटर DCC के मुताबिक यह वायरस 3 तरह से फैलता है। अगर वायरस का वाहक चूहा किसी इंसान को काट लेता है, हालांकि ऐसे मामले कम ही सामने आते हैं, किसी जगह पर चीज या मौजूद चूहों का मलमूत्र या लार को का इंसान के संपर्क में आने से, अगर इंसान ऐसी चीज़ों को खाता है जिस पर चूहे का मलमूत्र या लार मौजूद हो। अब हम विश्लेषण करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा वायरस खतरनाक है, कोरोना या हांता। वैज्ञानिकों के मुताबिक हांता वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता है, फिर भी कोरोना वायरस के मुकाबले यह ज़्यादा खतरनाक है। CDC के मुताबिक हांता वायरस भी जानलेवा है। कैसे फैलता है हांता वायरस? हांता वायरस व्यक्ति के चूहे या गिलहरी के संपर्क में इंसान के आने से फैलता है। मुख्य रूप से चूहों में हांता वायरस पाया जाता है। किसी तरह के इलाके में फैलता है यह हांता वायरस। CDS के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पेड़ पौधों की संख्या अधिक है, वहां हांता वायरस का फैलने का खतरा सबसे अधिक होता है। कोरोना वायरस की जैसे भी हांता वायरस की अभी तक कोई मेडिसिन तैयार नहीं हुई है।